जाने की मैंने उनसे सवाल पूछा, लोगों से सवाल कीजिए, मुझसे नहीं। किसी बिहारी को बिहार में धमकी नहीं मिलनी चाहिए। दिवंगत नेता रामविलास पासवान की मूर्ति का अनावरण करने के बाद चिराग पासवान लोगों को संबोधित कर रहे हैं। देखिए कैसे ढेर सारी जनता का उन्हें प्यार मिल रहा है। आप भीड़ देख सकते हैं, जनसैलाब उमड़ उठा है औरंगाबाद में, जहां पर चिराग पासवान लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लोग एक फोटो लेना चाहते हैं चिराग पासवान के साथ। तमाम जितने लोजपा के नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। हम मंच पर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। चिराग पासवान सभी से आशीर्वाद मांग रहे हैं घूम घूम कर। आप समझ सकते होंगे औरंगाबाद में चिराग पासवान को खूब जन समर्थन मिल रहा है और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। चिराग पासवान हमारे साथ है। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ जनता नहीं है। ये मीडिया के साथी पूछ रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि चिराग पासवान के साथ जनता नहीं है। अगर आप सबके साथ है तो दोनों हाथ उठा के साथ दीजिए। दोनों हाथ उठा के लोगों ने जन समर्थन दिया है चिराग पासवान को। और इस वक्त हम औरंगाबाद में मौजूद है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के इस एजेंडे के साथ, इस विजन के साथ चिराग पासवान निकल चुके हैं। और आप समझ सकते हैं उन्होंने रामविलास पासवान की याद दिलाई है लोगों को और कहा है कि मुझे समर्थन चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं। ऐसे में लोग कह रहे हैं, दोनों हाथ उठा के उन्हें समर्थन दे रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर जब आपने लोगों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर जब आपने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैंने बिहार में सरकार बदलने की मैंने उनसे सवाल पूछा, पूछे लोगों से सवाल कीजिए, मुझसे नहीं। जो लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पर भीड़ को बुलाया जाता है, जो लोग बोलते हैं कि भीड़ आती नहीं है, मैं चाहता हूँ मुझसे सवाल नहीं, इन्हीं से पूछिए किसके लिए आए और किसके साथ आए। आपको कह रहे कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है, धमकी दिया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए और जो लोग उनको धमकी दे रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी बिहारी को बिहार में धमकी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों से पूछा भी है और बताया भी है लोगों ने, तो उन्हें जन समर्थन लोग देंगे कि नहीं देंगे, लोगों ने हाथ रखकर जन समर्थन दिया है। और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील भी की है कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को सुरक्षा दी जाए ताकि कोई बिहारी बिहार में अपने आप को असुरक्षित महसूस न कर सके। हिमाचल को सब्सक्राइब कर लें, सांसद इस पेज को लाइक कर दें। मैंने बिहार में सरकार बदलने की मैंने उनसे सवाल पूछा, पूछे लोगों से सवाल कीजिए, मुझसे नहीं। किसी बिहारी को बिहार में धमकी नहीं मिलनी चाहिए।